देश में राफेल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी राफेल मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो रही है, तो वहीं बीजेपी अब जनता के सामने आकर राफेल मुद्दे पर अपनी सफाई पेश कर रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मंगलवार को बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे, तो वहीं उनके जवाब में कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल बुधवार को वाराणसी पहुंचे और बीजेपी पर राफेल में करोड़ों रुपए का घोटाला लगाने के साथ ही अंबानी परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए गड़बड़ियां करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के बयान पर भी सफाई पेश किया। वाराणसी से पीटीसी रिपोर्टर नवीन प्रधान की ये रिपोर्ट। सवाल रोजगार का है। 15 साल भाजपा की सरकार रही, रोजगार नहीं मिला। आज तक कांग्रेस पार्टी, अभी भी मैं भी कहता हूँ, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन के नाते कहता हूँ, इस देश में हर देशवासी को हर जगह काम करने का अधिकार है। गुजरात में भाजपा की सरकार है। मैं आपको गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन दिखा दूँ, आपको वीडियो गुजरात के मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की दिखाऊँ। ये कहते हैं कि 80% लोकल चाहिए, बाहर का यूपी बिहार मध्य प्रदेश नहीं चाहिए। और भाजपा के एमएलए हिम्मत नगर के राजू चावड़ा तो गाली गलौज करते हैं, भाजपा के एमएलए हैं, और वो कहते हैं इनको भगाओ, मैं फैक्ट्री में रेड करूंगा। मुख्यमंत्री ने बोल दिया है कि यहाँ इनको नहीं रहने देंगे। तो ये तो प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने, क्या उसको निष्कासित किया भाजपा से कि आप बिहार वालों को, आप मध्य प्रदेश वाले को, आप यूपी वाले को गाली देते हो और जिस तरह से गुजरातियों को उपसा के इनको भगाते हो, मैं आपको भाजपा से निष्कासित करता हूं। ठीक है सर, उन्होंने 80% कहा, आप 70% कह रहे हैं, तो उन्हीं की राह पर आप भी चल रहे हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि रोजगार मिले हर जगह पे। और क्यों जाते हैं? योगी जी यहाँ करें, बिहार में जेडीयू और बीजेपी की मिलीजुली सरकार है, रोजगार इतना करें कि यहाँ से किसी को बाहर जाना ही क्यों पड़े। पर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ राज्य के युवा ताकतवर है, उनको वहाँ रोजगार नहीं मिलता। तो आपको लगता है कि जो पूर्व की सरकारें रही हैं उन्होंने रोजगार पैदा नहीं किया, इसलिए हो रहा है? देखिए, पूर्व में जब कांग्रेस की सरकारें थी, आपने देखा होगा कि वहाँ रोजगार मिलता था, इतना पलायन किसी को नहीं होना पड़ता था। रोजगार के लिए अपना प्रांत छोड़ के बाहर जाने की ना, बिहार में आप देखिए कि चीनी मिलें इतनी चलती थी कांग्रेस के शासन में कि इस देश का सबसे बड़ा चीनी का अगर कहीं उत्पादन होता था तो बिहार से होता था। यूपी में इतने काम होते थे और हमने मनरेगा दिया था। क्यों दिया था? कि हमारे लोगों को वहीं पे रोजगार मिले। मोदी जी आए, मनरेगा का पैसे काट दिए, आज मनरेगा सिर्फ नाम का रहा है, गरीब को रोजगार यहाँ नहीं मिलता है, फिर मजदूरी करने बाहर जाना पड़ता है। तो सर यहाँ काम नहीं किया, सर यहाँ बाहर जा रहे हैं। 4.5 साल से मोदी जी है, यहाँ तो योगी जी है, 1 साल से है, योगी जी भी 1 साल से है और मोदी जी ने 2.5 साल हो गया, 6 साल से ऊपर मान लीजिए। मोदी जी ने कहा था, मित्रों 2 करोड़ नौकरियां खुल जाएगी हर साल, अब मेरा बिहार वाला, अब मेरा यूपी वाला अपने मुल्क में, अपने देश में वापस लौट जाएगा, किसी को मित्रों बाहर काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। 4.5 साल खत्म हो गए। ऑफिशियल फिगर्स दिखा रहे हैं कि यूपीए सरकार कांग्रेस की थी और जो रोजगार मिलता था उसे कई रोजगार की कटौती मोदी जी के 4.5 साल से। मतलब क्या निकल रहा है? उनके कहने पर ही आप लोग भगा रहे हैं? हम किसी को भगाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं। और जब भाजपा के साथियों ने अगर महाराष्ट्र में भी ये मुहिम चली तो कांग्रेस खड़ी, गुजरात में भी ये भगाने की बात भाजपा कर रही थी तो हम खड़े रहे कि नहीं, इस प्रांत में जितना गुजराती का अधिकार देश के किसी कोने में बसने का है, उतना ही अधिकार देश के किसी भी कोने से आए हुए को गुजरात में बसने का अधिकार है। तो ये जो भाजपा ने चाल चली है और रोजगार नहीं दिया, मध्य प्रदेश में 15 साल भाजपा रही। गोविंद जी, एक ऐसा सवाल उठता है, 2019 में भाजपा को रोकने के लिए महागठबंधन की बात हो रही है, लेकिन राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारना लोगों को सहज स्वीकार नहीं हो पा रहा। देखिए, 2 चीज के लोग होते हैं, एक होते हैं विचारधारा की बात करने वाले और एक होते हैं कि मैं बन जाऊं। मौका आया था सोनिया जी को 3 बार, नरसिम्हा राव जी बने तब सारे
इंक्लूडिंग नरसिम्हा राव जी कहने के लिए गए थे आइए प्रधानमंत्री बनिए, यूपीए वन यूपीए टू मनमोहन सिंह जी से लेके सब गए कि आइए प्रधानमंत्री बनिए, उन्होंने नहीं, देश के हित में मनमोहन सिंह जी बनना चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने खुद यूपीए टू में कहा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, राहुल जी आप प्रधानमंत्री बनिए। राहुल जी बन जाते अगर सिर्फ प्रधानमंत्री लक्ष्य होता। राहुल जी विचारधारा और सेवा के इंसान है और दूसरी तरफ मोदी जी है गुरु का पांव नहीं गला काट लो। अडवाणी जी जिंदगी भर वेटिंग रहे मैं चढ़ बैठूं, वो मोदी जी है। तो राहुल जी के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी वो महत्व की नहीं। राफेल डील पर जहां भी बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है वो कह रही है जो कांग्रेस पैसा बता रही है वो डब्बे की पैसा बता रही है, चेंजेस का पैसा बता रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मुझे हंसी आती है उनकी, क्योंकि जो झूठ होता है ना झूठ को बचाना भी मुश्किल होता है। ये कोई गवर्नमेंट कोई भी होती है वो अपने आप नहीं, उसकी टेक्निकल कमिटी जो है कांग्रेस के वक्त में डिफेंस की टेक्निकल कमिटी बनी और उसने जो मॉडल दिया उसकी प्राइस हमने ऑफिशियल बताई। मोदी जी खुद फ्रांस में गए, उन्होंने कहा कि पहले जो 126 के लिए 18 लेने थे उस हवाई जहाज लड़ाकू हवाई जहाज के लिए जो टेक्निकल बिड था उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वही टेक्निकलिटी होगी। ये मोदी जी का बयान वहां का आप देख लीजिए, अगर वही टेक्निकलिटी रहती है तो फिर चेसिस की बात कहां आती है। और ऐसे मनगढ़ंत बातें, बीजेपी इसका मतलब है बहुत झूठी पार्टी, वो बोलेगी लोग मानेंगे नहीं। हमलावर हो रही है बीजेपी, क्या कहेंगे? देखिए झूठ और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब इतनी घटिया हरकतें कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा कैसे हो सकता है। मैं खुद एडवोकेट हूँ और जब सीरियस मैटर होती है तो जो स्टेनोग्राफर होता है वहाँ से लेके सीनियर काउंसिल तक सब वर्ड टू वर्ड देखते हैं। गलत बताया कि सीएजी को प्राइस बता दी है, सीएजी ने रिपोर्ट पार्लियामेंट में रख दी है, पार्लियामेंट ने रिपोर्ट पीएसी को दे दी है और जब ये सारी चीज करके आए तब राहुल गांधी जी ने पूरा जजमेंट देख के सच्चाई देश के सामने रख दी। तो अब कहते वो तो भैया ग्रामर की व्याकरण की भूले हो गई थी, टाइपोग्राफिकल भूले हो गई थी। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी बात हो सकती है? हम पहले से कह रहे थे कि हमारे संविधान के प्रावधान के हिसाब से एट दिस स्टेज इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट योग्य या प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन वाला फोरम नहीं है, जेपीसी होनी चाहिए। हमारी सरकार थी, कुछ झूठ नहीं किया था, कुछ भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, बफोर्स में भाजपा विपक्ष में थी, जेपीसी मांगी हमने दे दी राजीव जी ने और इतनी लड़ाई के बाद ये हमारी हायर जुडिशरी ने भी कहना पड़ा कि राजीव गांधी जी कहीं पर बफोर्स में एक पैसे के लिए जिम्मेवार नहीं थे। आज हम क्या मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भैया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी दे दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैराग्राफ 12 पैराग्राफ 15 इसमें लिखा कि हमारा ज्यूरिडिक्शन बहुत कंस्ट्रेन बहुत लिमिटेड है, हम प्राइस में नहीं जा सकते, हम टेक्निकलिटी में नहीं जा सकते। हम तो पहले से यही कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट वो ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है, पर भाजपा ने मोदी जी ने खुद इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है और ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ का सौदा है। भारत सरकार की अपनी कंपनी एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिन्होंने सुखोई बनाया, जिन्होंने जगुआर बनाया, जिन्होंने हेलीकॉप्टर्स बनाए, उस कंपनी से नहीं, वहां से काम छीन लिया और किसको दिया? अपने अजीज दोस्त अनिल अंबानी की कंपनी को काम दे रहे हो आप। तो मोदी जी खुद इसमें लिप्त है, ये सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इसको छिपाने के लिए गलत प्लेटफॉर्म में गलत तरीके से बात करके, अगर आप क्लीन हो
आप कहते हो कि मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं, तो जेपीसी क्यों रखने देता नहीं? असल में तो ये है कि ये करोड़ों से कम खाता नहीं, इसीलिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को रखने देता नहीं। वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी है, मंदिर के मुद्दे पर तो सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार होती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का की बात आती है तो राफेल पर वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। देखिए, मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा? लोअर कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट के बाद अपेलेट फोरम सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके स्टेज होते हैं, उसको मानते हैं क्योंकि ये प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन हुआ। यहाँ पर भी आप जेपीसी दे दो, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच कर ले, जब सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाए उन डॉक्यूमेंट्स को लेके सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी हम जा सकते हैं। पर अभी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो ज्यूरिडिक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि फाइल मंगवाना, प्राइस देखना, जांच करना, ये हमारा काम नहीं है, ये जेपीसी का काम है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो दे दे, वहाँ सारे तथ्य निकलेंगे, फिर हमको लगेगा कि आ गए तथ्य, तब जाएंगे। राम मंदिर में वो नीचे से स्टेज वाइज जाते जाते ऊपर तक पहुंची है, तो प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन में पहुंचा है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगी कि मेरा ज्यूरिडिक्शन लिमिटेड है, कंस्ट्रेन है, मैं इस पे नहीं, इस पे ही कह सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर स्टेज पे प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन है। यहाँ ज्यूरिडिक्शन नहीं है, फिर भी ये बात लेके जाए तो न्याय नहीं मिलेगा। पहले जेपीसी दे दो, जेपीसी के बाद जाओ, बफोर्स में आपने जेपीसी मांगी, हमने दे दी, जेपीसी खत्म होने के बाद आप हाईकोर्ट में गए और आगे गए, कोर्टों ने कह दिया कि बफोर्स में कांग्रेस या राजीव गांधी जी का एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं है। राफेल में इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने खुद सारी कमिटीज बाईपास कर दी, चले गए वहां फ्रांस, और 126 नहीं सिर्फ 36 सीधा वहां से लाऊंगा, सरकारी कंपनी नहीं, मेरे दोस्त अनिल अंबानी की कंपनी में काम होगा, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। और वहां के मुखिया वो खुद फ्रांस के उस वक्त में जो थे, मोदी जी के साथ जब सौदा हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था कि अनिल अंबानी को ही काम दो, तो हमें देना पड़ा। सर, जिस तरह से कमलनाथ का बयान आया है सर, उसको लेकर